66वीं बीपीएससी के लिए अभी वैकेंसी की दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस बीच आपने अभी जब वैकेंसी नहीं आ रही है, आपने 30 से 35 टॉपिक्स को पहले ही समाप्त कर लिया है। यह आपकी लगन, आपकी डेडिकेशन और इस एग्जाम के प्रति आपकी जिज्ञासा को दर्शाता है, जिसका लाभ आपको अंततः जब एग्जाम होगा तो बड़े स्तर पर आपको मिलेगा। तो इस लगन को, डेडिकेशन को बनाए रखना है, टेम्परामेंट बनाए रखना है और टॉपिक्स को जहां तक संभव हो समझ कर पढ़ते रहना है। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक्स की जो हम लोग करेंगे। हिस्ट्री का पहला टॉपिक होगा और यह है जैन धर्म, जो इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म किया है और उससे पहले इंडस और वैदिक कल्चर भी हम लोगों ने किया, आज जैन धर्म कर रहे हैं। जैन धर्म यानी 24 तीर्थंकरों के बारे में हमें जानना चाहिए, लेकिन सभी के बारे में नहीं, पहले उसके 22वें, 23वें और 24वें। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, तीर्थंकर का क्या मतलब होता है? और जिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये जिन कहलाए, तो जिन से जैन धर्म निकला, जिन का मतलब क्या होता है? जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, उसके बाद पहला उपदेश, पहला भिक्षु भिक्षुनी, इन सब के बारे में डिटेल्स लें। उसके पांच महाव्रत और त्रिरत्न, ये क्या है? जैन धर्म किस तरह से पुनर्जन्म या आत्मा या भगवान में विश्वास करता है, ये सब आपको समझना चाहिए। उसके बाद वो जैन संगीतियां भी हुई है पाटलिपुत्र और पल्लवी में, इसमें क्या हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, किस शासक के समय हुआ, ये जरूर समझे, बॉक्स बनाकर क्या हुआ है और किन किन शासकों ने इसे अपना संरक्षण प्रदान किया, ये सब भी एग्जाम में आता है। कुछ कॉमन है बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में, लेकिन प्रमुख यहाँ पर भी बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, तो ये भी आप करें जैन धर्म। और दूसरा उसमें ज्योग्राफी में टॉपिक आज होगा लिथोस्फीयर, जो इससे पहले हम लोगों ने सोलर सिस्टम किया, उसका ब्रह्मांड यूनिवर्स किया, उसका रिवोल्यूशन रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सब किया, आज हम लोग कर रहे हैं लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब ये होता है पत्थर, स्टोन। तो पूरी पृथ्वी के बारे में उसकी आंतरिक संरचना आपको समझना है, यानी पृथ्वी के सारे लेयर्स को आपको समझना है, सियाल, सीमा, नीफे, ये क्या है, उसका अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसके डिटेल्स आप लें, लिथोस्फीयर में इंपॉर्टेंट है और अंदर जाने पर किस तरह से टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, ये सभी आप पढ़ें। तीसरा टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटी में आज होगा प्रस्तावना, प्रीएम्बल। इससे पहले आपने सोर्सेस किया, बैकग्राउंड किया, संविधान की रचना किया, आज अगेन एक इंपॉर्टेंट है छोटा टॉपिक है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल या उद्देशिका भी इसे कहते हैं, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था, संविधान सभा के समक्ष, और इसका क्या महत्व है, क्यों ये लाया गया, संविधान में प्रस्तावना क्यों आया, क्या इसका महत्व है, दूसरी बात क्या यह संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या यह न्याय योग्य है, क्या इसमें कभी संवैधानिक संशोधन हुए, कौन कौन से केस चले इससे संबंधित जो प्रस्तावना से संबंधित थे, और फिर प्रस्तावना का जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, हम भारत के लोग, इसे भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अरेंज करने आ जाता है, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये सब आपको अरेंज करने आता है, इसे आप समझें, प्रस्तावना छोटा है लेकिन अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमी में हम लोग का आज टॉपिक है गरीबी के बाद बेरोजगारी, दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है और अटैच एक जुड़ा हुआ टॉपिक है। पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी टॉपिक है आपने किया, और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट करना है, ये टॉपिक भी बड़ा नहीं है, इस पर सेशन आपका बहुत कंफर्टेबल होगा। ये टॉपिक जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा नहीं है, जो पांच प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है उन्हें समझना है, खेती किसानी में किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है या औद्योगिक देशों में किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके डिटेल्स आप समझें। कोई व्यक्ति एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ना चाहता है तो इस बीच किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो मेनली इसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको समझना है, ये लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, तो जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट और लूसेंट केवल है और अनएम्प्लॉयमेंट समझना चाहते हैं बेरोजगारी, तो वो नेट को जरूर यूट्यूब पर एक बार चले जाए और बेरोजगारी टाइप करके या वॉइस मैसेज से और उसे एक बार सुन ले 10 मिनट पार्लियामेंट के वीडियोस। और उसके बाद हम लोग साइंस के दो टॉपिक्स करते हैं। फिजिक्स का आज टॉपिक हम लोग करेंगे वो है गुरुत्वाकर्षण, हम लोगों ने मोशन किया है, यूनिट्स कर लिया है, आज गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन करेंगे, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला F = gma / r², इसमें कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू आपको याद रखना है, और यूनिट इसका अब जान लें बीपीएससी में 3-4 क्वेश्चंस यूनिट पे आते हैं, मात्रक यानी इकाई, तो इसका यूनिट आपको ध्यान रखना है और इसका वैल्यू, इसका जो एग्जैक्ट कांस्टेंट है तो इसका मान कितना है, और फिर अलग अलग स्थानों पर किस तरह